जोगिंदर नगर की 23 वर्षीय ज्योति की मौत से जोगिंदर नगर के समस्त लोग बहुत गुस्से में हैं। ज्योति को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं, जिसके चलते पूरा मंडी जिला अलर्ट पर है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने जोगिंदर नगर पुलिस थाने में मोर्चा संभाला है। साथ ही जोगिंदर नगर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ज्योति की आत्मा की शांति के लिए जोगिंदर नगर की गांधी वाटिका में जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जोगिंदर नगर की सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने ज्योति को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार से मांग की। इस मौके पर ज्योति के पिता ने कहा कि उन्हें प्रशासन पर पूरा विश्वास था, लेकिन मामला सीआईडी को चला गया है। अगर वहाँ भी मामला नहीं सुलझा तो वे सीबीआई की जाँच के पक्ष में है। ज्योति की अगर हत्या हुई है तो कौन दोषी है, उनको पकड़ा जाना चाहिए, कानून के अनुसार उनको पकड़ा कड़ी सजा दिलानी चाहिए। अगर आत्महत्या भी की है तो भी ज्योति मिलनी चाहिए, कहाँ है। और इस बात के ऊपर भी जो है जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए कि मान लो हत्या भी नहीं हुई, आत्महत्या भी नहीं की, लेकिन ज्योति अगर घर से निकली, जैसा जो पुलिस को भी जो है वो बताया गया, अगर ज्योति घर से निकली कहीं रास्ते में ही किसी ने कोई लिफ्ट तो नहीं दे दी, या किसी और ने तो नहीं बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, हम आपको छोड़ देते हैं, कहीं उन्होंने उसको गायब करके जो है कुछ और नहीं किया, इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। और उनके साथ उन्होंने कहा कि अगर आत्महत्या किया है तो उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी प्रचलित जो आम तौर पर उसके बाद जो बाढ़ आ गई, इस बार सेवियों के भी मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन जब ज्योति को गायब हुए 18 दिन हो गए थे, किसी ने नहीं पता कि उस बच्ची को ढूंढा जाए, वो है कहां, किस हाल में है। उसके बाद 7 सितंबर को जब एक महीना पूरा हो गया, तब तक भी किसी ने नहीं बोला। सारे ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई कि ज्योति तो गायब हो गई है, चली गई है किसी के साथ। तो हमने पुलिस को जो ज्ञापन दिया, सरकार को जो ज्ञापन दिया, जिसमें मेरे हस्ताक्षर थे और जो लोग आए थे उनमें से भी अधिकांश के हस्ताक्षर थे, हमने कहा अगर ज्योति गायब हुई है, कहीं गई है तो पता लगाओ भाई। और एक बात मैंने और कही थी, वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, हम जो है जांचकर्ता नहीं है, हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, हमें नहीं मालूम ज्योति के साथ क्या हुआ, इसलिए हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन एक बच्ची गायब हुई है, वो जिंदा है या नहीं है, यह सच्चाई जानने का हमारा है। और इसलिए जो जांच प्रक्रिया को तेज करो, इसलिए जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ भी है तो पता लगना चाहिए, उसके कोई साइंटिफिक एविडेंस सामने आने चाहिए। तो उसको लेकर के हमने आवाज उठाई। 8 तारीख को हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ मंडी में, शाम को जब वापस आ रहे थे तो घर जाने की अपेक्षा पहले जो है मैंने सोचा ज्योति के माता पिता और सगे संबंधियों से मिलकर के सांत्वना प्रकट करते हैं, उनको ढांढस बताते हैं। जब उनके गांव गए, लोगों को पता लगा, बहुत सारे लोग वहां पर आए और उन्होंने कहा कि सर जो मर्जी हो जाए, लेकिन कल जो है ज्योति की जो डेड बॉडी है उसको लेकर के जुलूस की चक्कर में हम जो है गड़ुई गांव जाएंगे और ससुरालियों के आंगन में जो है उस डेड बॉडी को जलाएंगे। मैं समझ सकता था एक मां की पीड़ा, एक पिता का दर्द, बहनों भाइयों या गांव के लोगों का दर्द जिन्होंने अपनी गोद में उस बेटी को खिलाया था, उनका दर्द समझ सकता था मैं। तो और होता तो बोलते हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, हम भी आपके साथ हैं, आप ऐसा करो, हम भी लोगों को लेकर जाएंगे, लेकिन भड़काने का काम हम कभी नहीं करते भी। मैं बता दूं, मैं प्रशासन और अभी तो पता लग रहा है कि सीआईडी के हैंडओवर हो गया कैसे, तो प्रशासन से मेरे को पूरा विश्वास था, और जो आज तक दिन उन्होंने जो किया उसका मैं मतलब मैं सहमत हूँ। वो पेपर में भी न्यूज लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं, जो तक इन जो कोशिश थी और उन्होंने की,
अब सीआईडी का हैंड ओवर हो गया केस, तो अब सीआईडी को भी हमारे को देखना पड़ेगा अब किस किस साइड से करते हैं क्या करते हैं। अगर सीआईडी से हम संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अब सीबीआई की आगे को मतलब सीआईडी से नहीं होता कुछ तो अब सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करेंगे। और पुलिस ने आज तक जो हासिल किया क्या किया वो चलो सीआईडी अपने आप से करेगी इंक्वायरी क्या क्या होता है, बाकी तो मैं ज्यादा क्या बोलता हूँ। आपने जो अगर इन्होंने साहब की कोई किन्नी तो सीबीआई की इंक्वायरी की जांच की मांग करेंगे और आंदोलन ऐसा चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज जो पैसे रैली रूली का था फिर हमने सोचा रैली क्यों नहीं करेंगे, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए 2-2.5 घंटे के लिए जो धरना मतलब अनशन पर बैठेंगे, बाकी ज्यादा मैं क्या बोलूँ, बाकी भगवान।